साल 2015-16 के बजट में हमने एक नया प्रयोग देखा, सहयोगात्मक संघवाद, जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, और शुरुआत हुई इसी साल। बजट में इसका जिक्र किया गया। हमारे साथ इस वक्त हैं वित्त सचिव और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी देश के रतन पी बटल। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के अच्छा लिए। सर, ये जो दिशा हमने पहली बार देखी पिछले साल के बजट में कि आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शुरुआत की और बजट ने साफ तौर पर इसका जिक्र किया, क्या ये दिशा जारी रहने वाली है? जारी रहने वाली है और जारी हो भी गई है, क्योंकि संविधान के मुताबिक हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, मगर इस सरकार ने इस संवैधानिक जो एक वो है बेसिस को एक नई दिशा दी है, जिसको जैसे आपने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका ये मतलब होता है कि हम स्टेट्स को उनके साथ भागीदारी करें, उनको एक एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेस दें, लेजिस्लेटिव स्पेस दें, और फिस्कल स्पेस का जो दायरा है वो हमारे मंत्रालय के तहत आता है, और इसके अंदर एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म का स्टेप उठाया गया था। ये 14th फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, ये हर 5 साल ये अपनी इसका सिफारिशें देता है हाँ जी। सिफारिशें देता है। वो पूरा इस दफ़ा जो इन्होंने सिफारिश दी थी कि इसका जो डेवल्यूशन है जो 32% था 13वीं फाइनेंस कमीशन में, उसको 42 कर दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, ये पूरा एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये इसकी वजह से पूरा जिस तरह से हम पूरा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव बदलाव आ आया गया है। अच्छा बदलाव आया है, उसके बहुत अच्छे असर भी हुए हैं। ये सर। ये जो कहा जा रहा है कि 32 से आपने 42% दे तो दिया, लेकिन बहुत सारे स्कीम्स में कटौती की गई है, और वाकई इन टोटो या इन टोटैलिटी स्टेट्स को उतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं दिया गया जितना कि एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नहीं, ये बल्कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ऐसी चीज़ लोगों को गलत फहमी हो रही है कि साहब वो 42% तो कर दिया गया, एक तरफ डेवल्यूशन के तौर पे पैसे दिए गए, मगर दूसरी तरफ हमने कुछ प्लान स्कीम्स में काट के पैसे की जो स्टेट्स को फ्लोज हो रहे थे वो कम कर दिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं आपको पूरा इसके अंदर यकीन और आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि बल्कि जो डेवल्यूशन के बाद दी जो पैसा गया है स्टेट्स के पास, उसका परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। और कैसे ये हुआ है मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप लें 100 रुपये लें एक मिसाल के तौर के ऊपर, पहले इसका 32% स्टेट्स को जाया करता था, अब 42 जा रहा है। इसका असर ये हुआ ज़रूर, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ये भी चाहता था कि इस फिस्कल स्पेस, मतलब ये अनटाइड फंड्स जो स्टेट्स को दिए जा रहे हैं, वो अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएं, किस दिशा में अपने स्टेट्स को, हर हर स्टेट की प्रायोरिटी अलग अलग होती है, और ये एक डिमांड भी थी कि हर स्टेट्स को ये ऑटोनॉमी दी हाँ जाए। ऑटोनॉमी दी जाए, वो इस बेसिस के ऊपर दी गई। हुआ क्या इसका? सही बात है कि हमारे जो वो थे स्टेट प्लान्स जिनको कहते हैं, हमारा जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है, मान लीजिए नॉर्मली एक 4.5 लाख करोड़ का अगर प्लान बनता है, तो इसके अंदर आधा सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है और आधा जो होता है वो स्टेट्स के अंदर शेयरिंग बेसिस के ऊपर, मोटी मोटी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। और एक बेसिस था इसका कि 75% नॉर्मल स्टेट्स थे, वो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था और 25% वो स्टेट अपना स्कीम्स के अंदर लगाया करता था। और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, जिसमें चौदह आई डिपेंड जैसे बॉर्डर जी एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसके अंदर ये 90-10 का के मतलब 90% का स्कीम के सेंट्रल अंदर देते सेंट्रल हैं। गवर्नमेंट से आएगा, 10% उधर से आएगा। तो ज़रूर इससे हुआ क्या कि हमने, क्योंकि डेवल्यूशन की वजह से कुछ पैसे यहाँ कम हुए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सेंटर का शेयर कम हो हाँ गया शेयर कम हुआ। जी। इसके साथ साथ क्या किया फाइनेंस कमीशन ने, जिसकी लोग कई दफ़ा भूल जाते हैं, कि कई ऐसे स्टेट्स थे जिनके पास रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम थी। आंध्र प्रदेश मान लीजिए एक मिसाल के लिए ले लीजिए, क्योंकि डिवीजन भी हुआ था आंध्रा तेलंगाना का, तो उन्होंने कहा कि साहब इन लोगों को एक ग्रांट के तौर के स्पेशल ऊपर पैकेज एक दिया स्पेशल जाए पैकेज जी। दिया जाए। एक और चीज़ बहुत बड़ी उन्होंने की, जो ग्रांट्स थे अर्बन लोकल बॉडीज़ को या रूरल लोकल बॉडीज़ को,
ये इसके अंदर बहुत बड़ा एक इंक्रीज हुआ है। मैं पूछने वाला था कि डायरेक्टली जो पंचायती राज सिस्टम को प्रमोट करने के लिए आपने जो लोकल बॉडीज को फंड दिया, वो बहुत सारे लोग उसका जिक्र नहीं करते हैं, लोगों को पता ही नहीं, तो क्या ये पैसा डायरेक्टली सेंटर से उन संस्थानों के पास जा रहा है या उसका नहीं? इसका तरीका ये है, क्योंकि हमको अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू देना पड़ता है, मगर इसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है, और ये पूरा पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इन यूएलबीज आरएलबीज जिनको बोलते हैं अर्बन बॉडीज लोकल बॉडीज को जा रहा है, और इसके अंदर भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये पैसा वो बॉडीज कैसे स्पेंड करेंगी। अच्छा, हमारा पंचायत राज डिपार्टमेंट है जो हैंडल कर रहा है, और अर्बन डेवलपमेंट वालों ने एक उन्होंने ओवरऑल डायरेक्शन दे दी है कि आप ये देख लें, क्योंकि फाइनेंस कमीशन में भी ये लिखा गया था कि बेसिक एमिनिटीज के ऊपर गौर किया जाए या उसको वो दिया जाए। तो ये भी हर छोटी छोटी पंचायत है या अर्बन बॉडी है वो अपना डिसीशन ले सकती है कि ये जो पैसा आया है हम स्वच्छ भारत अभियान में लगा सकते हैं, रोड में लगा सकते हैं, सोलर का कोई वो प्रोग्राम हो उसमें लगा सकते हैं, ये पूरी छूट इनके पास है। एक और चीज़ उसके अंदर बहुत बड़ी जो की गई है, जिसको हम SDRF बोलते हैं, जो ये जो डिज़ास्टर्स हो जाते हैं, उसका भी पैसा बहुत सारा बढ़ा दिया गया उसके अंदर डेवल्यूशन के अंदर, और उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, हमारे जो नॉर्म्स जो बदल दिए गए कि अब जैसे ड्राउट पड़ा है या कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सैलाब आ गया, कुछ आ गया, उसके अंदर जिस तरह से हम लोग हेल्प कर रहे हैं इन स्टेट्स को, उसके अंदर भी बजट्स को बहुत बढ़ा दिया गया है। अगर ओवरऑल बजट में एक्सपेंडिचर साइड को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें, तो बीते साल हमने देखा कि आपने एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, सब्सिडी, इन सबको बिल्कुल इंटैक्ट रखा, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की। मिसाल के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखा बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है, तो अगर आप कुछ बता पाएं, मैं जानता हूं ये बजट का टाइम है, आप ऑब्वियसली इसको आप उसमें कोई खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन जो ब्रॉड डायरेक्शन है या जो ब्रॉड आपकी सोच है खर्चों को लेकर के देश में, वो थोड़ा सा अगर आप बता पाएं। खैर, बजट के बाद तो आपको सब बताएंगे क्या हुआ है, मगर ये मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ, अभी अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ साल नहीं ख़त्म हुआ, एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ जो रही एक्सपेंडिचर की तरफ से, और कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल जो मतलब एसेट क्रिएशन में जो जाता है उसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ रहा है, वीज अ वी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, मतलब तनख्वाह में बांट दिया या रेंट पे दे दिया पैसा, तो ये बल्कि हो सकता है, इसके ऊपर एनालिसिस किया भी जा रहा है, कर रहे हैं, कि ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ हुई है, क्योंकि हमारा पूरा एक, और ये कई सालों के बाद ऐसा हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में कितना हुआ सर? अभी मैंने कहा कि अभी साल नहीं ख़त्म हुआ है, तो मैं उसके ऊपर परसेंटेज आपको नहीं, मैं खाली ये कह सकता हूँ ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है, और इसको ऑब्जर्व भी किया गया है, ये पेपरों वगैरह में भी निकला है, ऐसी चीज़ें इसके बारे में बात की गई है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ रही है। और दूसरी, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर हमारा बहुत अच्छा रहा है इस साल, होता था कई दफ़ा के साथ पैसा बांट दिया, कहीं वो बैंकों में पड़ा हुआ है, स्पेंड नहीं हो रहा है, इस साल इसके ऊपर भी हमने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, और मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे हमारी जो रेवेन्यूज आ रही हैं और जिस तरह एक्सपेंडिचर हो रहा है, अभी तक फरवरी का महीना है, ये मैच कर रहा है, मतलब जो हमने प्लान किया था हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं, बस मैं अभी इस हद तक ही मैं कहना चाहूँगा। सर, अंत में चूंकि आप पूरे देश का बजट बना रहे हैं और खर्चे, आमदनी, हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, जो देश में इकोसिस्टम है इस वक्त, चाहे वो पारदर्शिता को लेकर हो या फिर जो जितनी स्कीम्स हैं उनको रैशनलाइज करके, उनको इंटीग्रेट करके जो डायरेक्शन नया दिखा है सरकार का उसको लेकर के हो, क्या आप संतुष्ट हैं इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर के? जी हाँ, बहुत संतुष्ट हैं, और मेरे ख्याल से जिस तरह हमने ये प्लानिंग की है उसके असर भी दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसको और हम स्ट्रेंथन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर से बात करने के लिए। थैंक यू। बड़ो 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 मेरे साथ, कुछ
इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बड़ो, बड़ो, बड़ो मेरे संग। में 1 BHK उसके मन में चार, मेरे बंगले से दिखे सीधा समंदर पार, 40वीं मंजिल पर चमकेगा स्टार अपना, अरे हर किसी का अपना घर होता है हर किसी का सपना, और इस सपने को पूरा करे SBI होम लोन्स। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ा गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। इंट्रोड्यूसिंग SBI एसेट बैक लोन, अ लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी विद सिंपल एंड क्विक प्रोसेसिंग फैसिलिटी, बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स एंड इजी रीपेमेंट ऑप्शंस। SMS SBI ABL to 567676. क्लास में मंजू को कैसा मजा जगाया, सच में। हे रानी, जरा संभाल अपन जवानी। अरे स्कूल में क्या पढ़ोगी, दिल की किताब पढ़ लो। क्या बात है सुनीता, क्या हुआ? अम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये गांव का लड़का हम लड़की लोग को रोज रोज परेशान करता है। बिटिया तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, डरने का जरूरत नहीं है। लड़की हो इसका मतलब ये नहीं कि सब बर्दाश्त करो। अरे कानून तुम लोग के साथ है। समझ गई ना, तैयार है ना सब? हाँ। हमारी मोटरसाइकिल पे आ जाओ, जल्दी छोड़ देंगे। छेड़ने आया था ना, और छेड़ेगा, ले और छेड़ेगा, पकड़ के मार। हाँ, महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल असामाजिक है बल्कि एक कानूनी अपराध है। ऐसी किसी भी हरकत की खबर पुलिस को तुरंत दें। इंट्रोड्यूसिंग SBI एसेट बैक लोन, अ लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी विद सिंपल एंड क्विक प्रोसेसिंग फैसिलिटी, बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स एंड इजी रीपेमेंट ऑप्शंस। SMS SBI ABL to 567676. बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र ANM या आशा दीदी से संपर्क करें। An exclusive and easy finance option for e-commerce sellers. Introducing SBI Smart SME e-commerce loan. A collateral-free fast online loan. For more details, log on to www.sbi.co.in.
किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियाँ साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। नमस्कार, इस खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम अपने परिवार का बजट बनाते हैं, पूरे देश का भी बजट बनता है, और जब 130 करोड़ से ज़्यादा जनता का बजट बनाना हो तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है, आप इसका अंदाज खुद ही लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास, खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, कैसे आप पूरे देश का बजट बनाते हैं? क्योंकि हम परिवार का जब बजट बनाने बैठते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, इतने बड़े देश का इतना बड़ा बजट बनाना कैसे करते हैं आप सभी? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कहना चाहता हूं। देखिए, बजट जो है एक बड़ा इलाबोरेट प्रोसेस है, और उसको मतलब हमारा जो टीम है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो बिल्कुल सारे टीम मिलके इसको बनाते हैं। हम लोग सितंबर के मिडिल में, 15 सितंबर के आसपास एक बजट सर्कुलर इशू कर देते हैं सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ को और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, कि जो बजट बनानी है अगले साल के लिए उसका गाइडलाइंस क्या क्या है, ताकि वो अपना काम शुरू कर दे। फिर क्या करते हैं कि नवंबर से एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक अंग है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में वो अलग अलग मिनिस्ट्री और एजेंसीज़ के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, उनके इस साल का जो करेंट ईयर उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेंडिचर कैसा चल रहा है, वो ज़्यादा पैसा उनको चाहिए और उनका कोई बचत हो रहा है, उसका रिव्यू करते हैं, और साथ ही साथ अगले साल का जो एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है उसको भी वो तैयार करते हैं। और कोई उसी के आसपास अराउंड दिसंबर के आसपास वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो अगले साल का और इस साल का रेवेन्यू फोरकास्टिंग करने लगते हैं। इस साल का रेवेन्यू जो है उसका क्या ट्रेंड रहा है, अगले साल का हम कितने रेवेन्यू, इनकम टैक्स कितना, कस्टम्स और एक्साइज और सर्विस टैक्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका वो फोरकास्ट बनाते हैं। और दोनों मतलब क्या होता है कि फिर जनवरी एंड या अर्ली फरवरी में दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं, और इस बीच मिडल ऑफ जनवरी से फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं कि वो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ, और कोई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, बहुत सारे सजेशंस आते हैं ईमेल्स में और ट्विटर में भी बहुत सारे सजेशंस आते हैं। तो हमारा जो टीम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का टीम, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का टीम और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का टीम, इसको सब मिलके अलग अलग ग्रुप है, वो एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करके सारे जो प्रपोजल्स है वो करीब आप मान लीजिए कि जनवरी एंड से ये शुरू हो जाता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर के सामने हम इसको पेश करते हैं कि ये सजेशंस आए हैं। कुछ तो सजेशंस ऐसे होते हैं जो कि पुराने होते हैं, लेकिन उसको हम नए नज़रिया से देखते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है वो हमेशा बदलता रहता है। तो पिछले साल कुछ नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल उस सजेशन की तरफ हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो उसको फिर इस साल का जो माहौल है, इस साल का जो सिचुएशन है, उस बैकग्राउंड में इसको रीवैल्यूएट करते हैं। कुछ सजेशंस होते हैं न्यू होते हैं, उसमें से एक पार्ट ऑफ द सजेशन जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, जो कि रूटीनली मतलब इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका बजट के साथ कोई संबंध नहीं है। जो बजट के संबंधित प्रपोजल है उसको बिल्कुल टीम में एग्जामिन करके उसको फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उनके सामने पेश करते हैं, और ये जो सारे होते हैं सारे कन्वर्ज होके फरवरी 20th के आसपास हम जो प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं, 18, 19, 20 डिपेंडिंग ऑन दी बजट डेट प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं, और फिर बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं पार्लियामेंट में। सर, ये तो पूरी प्रक्रिया की बात होगी, आपने पहले खर्चे का हिसाब लगाया, फिर आमदनी का हिसाब लगाया, फिर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया, और उसके बाद आपने देश का बजट तैयार किया, अगर मैं सम अप कर पाऊँ जो आपने कहा। लेकिन सर, जब आप इस वक्त पूरी दुनिया को देख रहे होंगे और भारत की जो ग्रोथ हो रही है इस वक्त, या जो संभावनाएं हैं या जो चैलेंजेस हैं, उन पर ध्यान दे रहे होंगे, तो ज़रूर कुछ एक दिशा मान करके इस बजट को तैयार किया गया होगा। कैसे आप एसेस कर रहे हैं ग्लोबल सिचुएशन को और भारत में जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको देख करके, ये क्या कुछ सोच अभी चल रही है? देखिए, अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत ही अनसर्टेन है, बहुत ही वोलेटाइल है। कुछ महीनों पहले हम ये कह रहे थे कि अगले हफ्ते या अगले महीने क्या होगा, किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी एक सिचुएशन ये आ गया है कि जो कि कल मतलब अगले दिन क्या हो रहा है किसी को पता नहीं।
अगले दिन किसी को पता नहीं होता है, सडनली कोई पार्ट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मान लीजिए कि यूरोप में सडनली स्टॉक मार्केट गिर गया, या कोई अदर कंट्री मतलब चाइना में या कोई अदर कंट्री में उनका जो करेंसी है उसका बहुत बड़ा डिवेल्युएशन और डिप्रिसिएशन हो गया है। और हम लोग जो है आज एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो ग्लोब में किसी पार्ट में किसी अंग में कुछ भी हो, वी आर इम्पैक्टेड, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमी जो है अभी बहुत ही वोलेटाइल और अनसर्टेन सिचुएशन में है, और ये एक्सपेक्टेशन है सबका कि शायद ये जो अनसर्टेनिटी मीडियम टर्म में रहेगा। अच्छा, तो ये जो इसको चैलेंज मानकर हमको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। गवर्नमेंट जो है इसको वेरी क्लोजली, गवर्नमेंट में इसके ऊपर जो वर्ल्ड डेवलपमेंट्स में हो रहा है अलग अलग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको हम वी कीप ऑब्जर्विंग दैट, एंड जो भी रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट कीप्स मतलब वो उसके उसको कैसा रिएक्ट किया जाए, उसके लिए क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स रहेगा, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि इतने सारे प्रॉब्लम है चारों तरफ, कई देशों में, बहुत सारे देशों में जो ग्रोथ है अभी काफ़ी स्लो डाउन हो गया या काफ़ी नीचे गिर रहा है, इस सारे सिचुएशन अनसर्टेन सिचुएशन के बीच हमारा जो ग्रोथ रेट है इस साल का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 7.6%, वो कि करंट सिचुएशन में उसको बहुत अच्छा माना जाना चाहिए और उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसके ऊपर हम कैसे अपने आप को और भी ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं, हमेशा गवर्नमेंट का यही कोशिश रहेगी। सर, चूंकि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था है, और आपने कहा कि अभी 7.6% की दर से हम विकास कर रहे हैं, इस बजट की ओर केवल देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे, तो क्या हम ये मान के चलें कि जो वित्तीय अनुशासन है या जिसको हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं, वो जो आपने रोडमैप तय किया है उसको आप एक तरह से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और फिस्कल डेफिसिट इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों? जी, पहले मैं आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब दे दूंगा, मतलब फिस्कल डेफिसिट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फिस्कल डेफिसिट है क्या। आप एक परिवार का सिचुएशन ले लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में कहना मैं चाहता हूँ, एक परिवार का इनकम होता है, इनकम अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ मेरा कुछ सैलरी मिलता है, अगर कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी है उससे रेंट आता है, बैंक में या कोई फिक्स डिपॉजिट है उसमें से कुछ इंटरेस्ट भी मेरे को मिलते हैं, ये सब मेरा इनकम हो गया। और फैमिली का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का कुछ तो रनिंग एक्सपेंडिचर है, घर का जो रेगुलर खर्चा मतलब खाने का, हाउस रेंट का, बिजली पानी, ये सब मतलब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लीजिए, जैसे गवर्नमेंट का होता है ये घर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, अगर मेरा खुद का मकान है और मैं छोटा सा कोई रूम उसमें अलग से बनाना चाहता हूँ, या मैं घर में कोई एयर कंडीशनर या नया फ्रिज या रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहता हूँ, ये इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वैसे गवर्नमेंट में इनकम होता है गवर्नमेंट का, जो कि टैक्स रेवेन्यू से आता है, डिविडेंड पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है सरकार के उसके डिविडेंड से आते हैं, और फिर कई तरह की नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी है, जैसे कि आप मान लीजिए स्पेक्ट्रम जो होता है उसका ऑक्शन करते हैं, उससे भी कुछ रेवेन्यू आते हैं। तो एक तरफ है गवर्नमेंट का जो सारे रेवेन्यू, और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट के जो सारे एक्सपेंडिचर, और ये जो एक्सपेंडिचर और इनकम इस दोनों के बीच में जो गैप है, जो फासले है, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। हमेशा हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए हमारा इनकम 20 रुपया है और एक्सपेंडिचर 25 रुपया है, तो 5 रुपया जो हुआ वो मतलब फिस्कल डेफिसिट हुआ। तो वो 5 रुपया फिर सरकार उसको कैसे फाइनेंस करेगी, उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि मार्केट से पैसा उधार लेती है, और कितना हम उधार ले सकते हैं वो भी बहुत केयरफुली उसको तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना उधार ना ले लें कि कल हम खुद बैंकक्रप्ट हो जाएं। हम उतना ही उधार में लेंगे जितना हम रीपे कर सकते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट जो सरकार का है उसको फाइनेंस करने के लिए मार्केट से पैसा बोरो करते हैं, और उसको उतना ही बोरो करते हैं जिसको हम रीपे कर सकते हैं। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेफिसिट को आप फाइनेंस करने के लिए मार्केट से आप पैसा ले रहे हो, और बस आप इतना ही पैसा लेना चाहिए जो कि आप रीपे कर सकते हो, कहीं ये ना सिचुएशन ना बन जाए कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद आपके पास मतलब जो रेगुलर डे टू डे एक्सपेंडिचर हो गया, या कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, या कोई बड़ा सा मतलब ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंडिचर, उसको करने के लिए आपके पास बहुत कम पैसा बच जाएगा, ऐसा एक स्थिति ना आना चाहिए। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा हर एक साल ये बजट का सबसे बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट रहता है।
सर, पहला सवाल का पहला हिस्सा मेरा ये था कि जो रोड मैप आपने तय किया है, हम पहले भी इस रोड मैप से थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच चुके हैं, तो जो पूरी दुनिया है वो ये जानना समझना चाहती है कि अब जो आपने रोड मैप तैयार किया है, क्या उस पर आप बने रहेंगे या फिर ग्रोथ पोटेंशियल या ग्रोथ को पाने के लिए इसमें थोड़ी सी एक बार फिर से ढील दी जा सकती है? देखिए, अभी तो ये जो सवाल आपने पूछा इसका आंसर मैं अभी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर इसको जब बजट पेश करेंगे तब पता लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रायोरिटी है कि एक बैलेंस लिया जाए, मतलब कितना एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है ताकि हमारा ग्रोथ मोमेंटम उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, और कितना डेफिसिट होना चाहिए, मतलब कितने हद तक हम बोरो कर सकते हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और एक बैलेंस्ड व्यू लिया जाता है। और इस साल का बजट जो है उसमें क्या व्यू लिया जाएगा, जब बजट प्रेजेंट होगी 29 तारीख को फिर पता लग जाएगा। सर, चूंकि ये इस पंचवर्षीय योजना का अंतिम साल है जिसके लिए आप बजट बनाने जा रहे हैं, कुछ प्राथमिकताएं आप बता सकते हैं? और जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि हम भारत को पूरी दुनिया का स्किल हब बनाएंगे, भारत को पूरी दुनिया का शायद एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इसलिए चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि क्या इसके लिए हम तैयार हैं? देखिए, पिछले एक डेढ़ साल में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस हुए हैं, एक तो मेक इन इंडिया, फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल मिशन, बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने अनाउंस किया हुआ है सरकार की तरफ से, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्टेप्स लिया जा रहा है। इस जो एक्सपेंडिचर है, कुछ तो है सरकार से जो डायरेक्टली फाइनेंस होते हैं, और कुछ है जो कि जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के लिए उनका जो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, कुछ रेगुलेशंस में बदलाव, कुछ जो हमारे एक्ट्स एंड रूल्स है उसमें कुछ बदलाव, जैसे कि आप मतलब जो कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किया गया है, कस्टम्स के रूल्स सिंप्लीफाई किए गए हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का जो रूल्स भी सिंप्लीफाई किए गए हैं, जो बिजनेसमैन हुआ या भी कोई ऑर्डिनरी सिटीजन है उसका सरकार के साथ जो इंटरफेस होता है, मतलब कोई आसान तरीका से बहुत सिंपल वे हाउ दे कैन गेट दी जो सरकार से जो सर्विसेज मिलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है, सो प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन बहुत हुआ है। और आगे जाके भी यही कोशिश रहेगा कि हमारे जितने मतलब गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, जितने ग्रोथ रिलेटेड प्रोग्राम्स है, जितने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स है, उसको हम कैसे और मतलब उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं और कैसे उसका फुल बेनिफिट देश को दिला सकते हैं, उसी तरफ कोशिश रहेगा। सर, अंतिम सवाल, पिछली बार जब हमने कार्यक्रम किया था तो इसे नाम दिया था बजट ऑफ होप, क्योंकि नई सरकार से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी। क्या हम माने कि ये अगला जो बजट होगा, आने वाला बजट, वो बजट ऑफ ग्रोथ होगा, बजट फॉर एम्प्लॉयमेंट होगा? इसी देखिए, देश के जनता सब अलग अलग वर्गों का, अलग अलग सबका एक एक उम्मीद रहता है बजट से, और बजट जो है मतलब जैसे आपने कहा 130 करोड़ पॉपुलेशन के लिए जब बजट बनाते हैं कई सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का पॉलिसी रहा है कि देश में कैसे ग्रोथ रिवाइव किया जाए, और ग्रोथ सिर्फ 7.6 नहीं और भी उसको बढ़ाया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किया जाए और एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो क्रिएट किया जाए, तो ये जो सब चैलेंजेस है ये तो उसकी तरफ तो ज़रूर ध्यान रहेगा। एंड अभी जो चैलेंजेस है वर्ल्ड ओवर, ग्लोबली जो चैलेंजेस है अपने इकोनॉमी को, उसके तरफ भी गवर्नमेंट का बहुत सारा है, मतलब गवर्नमेंट विल बी अवेयर ऑफ दैट। तो स्पेसिफिकली बजट के कॉन्टेक्स्ट में किस तरफ एम्फोसिस रहेगा ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट है अभी चालू है उस प्रोग्राम्स को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। दूसरा, जो चैलेंजेस है हमारे इकोनॉमी के सामने जो कि देश के अंदर है और बाहर से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस के बजाय जो चैलेंजेस है उसको हम कैसे और बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं ताकि हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको और इम्प्रूव किया जा सके, मोटा मोटी गवर्नमेंट का फोकस वही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।